सतर्क रहना है, अंतर से जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। तो आइए देखा जाए आपका शुरुआत आप कैसे करेंगे। आपका शुरुआत ऐसे करेंगे कि जमानत के उद्देश्य के लिए यानी कि बेल के पर्पज के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत अपराधों को दो कैटेगरी या दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है जमानती अपराध और दूसरा वर्ग है अजमानती। ये लिखना पड़ेगा कि जमानत के उद्देश्य के लिए ऑफेंस को कितने क्लाज में बांटा गया है, दो, एक जमानती अपराध और दूसरा कौन, अजमानती, जिसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2A में दी गई है। तो अगर परिभाषा छोटी रहे तो हम बता रहे हैं उसका नियम भाई, चूंकि ये दो तीन लाइन की परिभाषा है तो प्रयास ये करिए कि हूबहू रट डालिए। अगर परिभाषा बड़ी रहे तो हूबहू न लिखकर तुरंत उसके आवश्यक तत्वों को लिखिए। तो चूंकि ये परिभाषा छोटी है, कोई बहुत नहीं है बड़ी, अतः परिभाषा याद कर लीजिए कि भाई बेलेबल ऑफेंस किसे कहा जाएगा, तो ऐसे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची के तहत जमानती बनाया गया है या किसी अन्य तत्व, देखिए सही है ना, बना गया ना कि दिखाया गया है, हाँ देखिए भाई पहले दिखाया है ना, देखिए ऐसे अपराध जिन्हें इस प्रथम अनुसूची के तहत जमानती दिखाया गया है, तो तोड़ते भी रह जाए बेरे को, यानी कि ऐसे अपराध जिसे प्रथम अनुसूची के तहत क्या दिखाया गया हो, जमानतीय दिखाया गया हो या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि, अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जो वर्तमान समय में क्या हो लागू, या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जमानतीय आपका ये दिखाया गया हो या जमानतीय क्या किया गया हो, बनाया गया हो, इन अपराधों को बेलेबल ऑफेंस या जमानतीय अपराध कहते हैं। और अंतिम है कि अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी कि अजमानतीय से का मतलब क्या हुआ, कोई अन्य अपराध। तो बेयर की भाषा भाई कम से कम याद रखे, इतना तो याद रहेगा ना कि जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल के तहत जमानती दिखाया गया है या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो कानून भारत में लागू, उसके तहत जमानती बनाया गया हो और अजमानती अपराध से अन्य अपराध अभिप्रेत है। यानी कि धारा 2A में बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों अपराधों को परिभाषित किया गया है। और इसके बाद आपका परिभाषा लिखने के बाद ये तोड़ लेंगे, कितने खंडों में तोड़ लेंगे बेरेट को, तीन खंडों में, और इन्हीं तीनों खंडों की आपको व्याख्या करनी है। फिर मैं बता दूं कितने खंडों में हमने तोड़ दिया है बेरेट को, तीन, और इन्हीं तीनों खंडों की अब क्या करेंगे व्याख्या। अब एक एक करके हम भी व्याख्या शुरू करते हैं, ये तीन बना लेंगे आवश्यक तत्व। इसके बाद पहले के आपका शुरू किया जाए। देखिए अभी तक आपके दिमाग में ये मैंने सटीक नहीं बैठा होगा कि जमानती अपराध क्या है, अभी तक नहीं बैठा, लेकिन एक एक जब आपका इसमें का राज खोला जाएगा, एक एक छोटी छोटी बातों को जब हम बता रहे हैं बताएंगे, तब आपके दिमाग में एक एक चीजें बैठेंगी। आइए देखा जाए इसको। पहला नियम ये है निकला कि जमानती अपराध वह होंगे जिन्हें इस संहिता के फर्स्ट शेड्यूल के तहत जमानती दिखाया गया है। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची को आप तोड़ेंगे तुरंत कहाँ आ जाएंगे सीआरपीसी में, जब आप 484 धाराएं देख लेंगे उसके बाद से दो शेड्यूल दिया गया है, एक प्रथम अनुसूची दी गई है
और दूसरा द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची में दो खंड हैं, ये बना लेंगे। कितने खंड हैं? दो। जो पहला क्लाज है वह केवल किसके लिए है? आईपीसी के लिए। और जो दूसरा खंड है, सेकंड क्लाज है, वह किसके लिए है? अन्य विधियों के लिए, यानी कि अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए। सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची का कौन सा खंड काम करेगा? सेकंड। सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड जो केवल आईपीसी के अपराधों के लिए है, उसका स्तंभ नंबर 5 देखना है। यानी कि आईपीसी के प्रथम ऐसे लिखेंगे, आईपीसी के प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड जो केवल किसके लिए है? आईपीसी के तहत अपराधों के लिए, उसका स्तंभ नंबर कौन देखना है? आपका 5। स्तंभ नंबर 5 में, अब देखिए स्तंभ नंबर 5 खोलना पड़ता है। स्तंभ नंबर 5 में आईपीसी के जितने अपराध हैं, या तो जमानती लिखा है या अजमानती, यानी कि आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं सबके दंड की धाराएं दी गई हैं। और स्तंभ नंबर 5 में उसमें आगे लिखा है कि यह अपराध जमानती होगा कि अजमानती। अर्थात दूसरा नियम ये आया कि अगर आईपीसी के लिए हम जमानती देखें तो आईपीसी के लिए जमानती अपराध वे होंगे जिनमें जिन्हें आईपीसी सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 5 में जिन्हें जमानतीय के रूप में क्या किया गया है, दिखाया गया है। स्तंभ नंबर 5 में कुछ अपराधों के आगे जमानतीय शब्द लिखा है और कुछ के आगे अजमानती। अगर हम देखें तो अभी भी आपका जमानतीय शब्द दिमाग में नहीं बैठा होगा, क्योंकि हम तो केवल किसका भी उल्लेख किए कि स्तंभ का। तो आखिर जमानती अपराध है क्या? अब वास्तव में परिभाषा देखिए, जमानती अपराध साधारण अपराध होते हैं जिनमें जमानत पाना अभियुक्त का एक अधिकार होता है। यानी कि लास्ट लाइन हमने यही बताया कि बेलेबुल ऑफेंस कौन कहे जाएंगे, तो जमानती अपराध वे कहे जाएंगे जिसमें जमानत पाना अभियुक्त का क्या होता है? अधिकार, राइट, हक होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अजमानती अपराध ऐसे अपराध हैं जिसमें साधिकार अभियुक्त जमानत मांग सकता है। ऐसे जमानत की मांग वह सीआरपीसी का सेक्शन ऐड करना है, एक लाइन, जमानती अपराधों में जमानत कब ली जाएगी, साधिकार जमानत, इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 436 में किया गया है। सेक्शन ऐड करना है कौन सा? 4, आपका 36। ऐसे मामलों में जमानत कौन दे सकता है, ये भी एक लाइन लिखना पड़ेगा। ऐसे मामलों में जमानत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, यानी कि थानेदार भी दे सकते हैं और कौन दे सकता है? न्यायालय, मजिस्ट्रेट ना लिख दीजिएगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मजिस्ट्रेट नहीं, क्या लिखना है, न्यायालय लिखिएगा, द्वारा दी जा सकती है। ये हम आपका बताए प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड का कौन सा स्तंभ नंबर 5। अब अन्य विधियों में आइए भाई, सतर्क रहिएगा। अब दूसरा ये कहा जा रहा है, आपका बैरक कहता है कि ऐसे अपराध भी जमानती अपराध माने जाएंगे जिनमें जिन्हें तत्समय प्रवृत्त विधि, यानी कि ऐसा ला जो प्रेजेंट टाइम में इनफोर्स हो, अर्थात ऐसा कानून भारत में जो वर्तमान समय में लागू हो और आईपीसी से भिन्न हो।
तो आईपीसी से भिन्न दो चार कानून तो बताइए, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया, SC ST एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया इत्यादि, ये कैसे कानून कहे जाएंगे? अदरला, अदरला मतलब क्या? अन्य कानून, जो भारत में क्या हो लागू। अन्य कानून के लिए कौन जमानती अपराध होंगे लिखना पड़ेगा कि अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए जमानती अपराध वे होंगे जिन्हें जमानती बनाया गया है। अब बनाया गया है इसको फिर आप तोड़ेंगे, देखिए CRPC को लिखना पड़ेगा, फिर CRPC के प्रथम अनुसूची, सतर्क रहिए भाई थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची के सेकंड खंड में अन्य विधियों के लिए प्रावधान किया गया, फर्स्ट खंड में नहीं, किस में? सेकंड, ये बिहार जे में इंटरव्यू में पूछा गया था। CRPC के प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लाज में, फर्स्ट केवल IPC के लिए हमने बताया, सेकंड क्लाज में अन्य विधियों के तहत हुए अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि यदि किसी अपराध में सजा 3 वर्ष से कम है, एक बार देख लिया जाए भाई, 3 साल से कम ही है ना, क्योंकि हल्का सा जहाँ मिस्टेक हो बेरक रखा जाए, नहीं मैंने कहीं भी हल्का सा संदेह हो तो गलत ना हो भाई, उसको देख लेना ही उचित माना जाता है। देखिए सेकंड खंड में है, 3 वर्ष से कम, ठीक है भाई। CRPC का प्रथम अनुसूची का सेकंड क्लाज जो अन्य तत्समय प्रवृत्त विधियों के लिए है, उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे अपराध जिनमें दंड अधिकतम 3 वर्ष से कम है, चाहे जुर्माना रहित या सहित या केवल जुर्माना हो, क्या हो? केवल जुर्माना, ऐसे अपराधों को जमानती अपराध माना जाएगा। रटे रहिए, कितने से कम हो, लेकिन IPC के लिए नहीं काम करेगा, किसके लिए? अन्य विधियों के लिए, ये नहीं कि IPC के लिए नियम बना दीजिएगा, किसके लिए हम बता रहे हैं? अदरला, जैसे SC ST एक्ट इत्यादि। फिर इसको एक बार समझिए, अगर अन्य विधियों के लिए अगर किसी अपराध में सजा 3 वर्ष से कम हो, चाहे जुर्माना रहित या सहित या मात्र जुर्माने का दंड हो, ऐसे अपराधों को बेलेबुल या जमानती अपराध बनाया गया है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यह उस विधि में दिए गए विशेष प्रावधान के अधीन है। लिखना मेंस में एक ही लाइन है कि यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यह नियम उस अन्य विधि में दिए गए विशेष प्रावधान के क्या है? अधीन। अब इसको समझाना पड़ेगा भाई, देखिए आपका मान लीजिए अगर SC ST एक्ट है और अगर उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि भले दंड 2 वर्ष का हो, लेकिन वह अपराध आपका अजमानती होगा, तो जो ये CRPC के प्रथम अनुसूची का सेकंड क्लाज है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस विधि में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि चाहे दंड 6 माह हो या 1 साल हो, 2 साल है, वह अपराध क्या होगा? अजमानती। तो CRPC उसको ख़त्म नहीं करेगी और वह कानून CRPC पर प्रिवेल करेगा। तो CRPC का जो ये अन्य विधियों में 3 साल वाला नियम है कि 3 साल से कम के दंड जमानती होंगे, दंड से दंडनी, ये कब लागू होगा? जब उस अन्य विधि में इस बारे में कोई प्रावधान न हो। अगर है तब भाई CRPC काम नहीं करेगी, वह कौन कानून लागू होगा? अन्य विधि में, जैसे SC ST एक्ट में है कि सारे अपराध क्या होंगे? गैर जमानती, अजमानती, चाहे दंड 1 साल हो, 2 साल, तो CRPC को अप्लाई न करिएगा,
अर्थात सीआरपीसी कब लागू होगी? जब उस विधि में कोई विशेष प्रावधान न हो। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम ये निकलता है माने बैरियर को तोड़ने से कि अजमानती अपराध कौन है। तो अजमानती अपराध वह होंगे, आपका बैरियर की भाषा में बता रहे हैं अभी, अजमानती अपराध से अन्य अपराध अभिप्रेत हैं। यानी कि अस्पष्टता कानून बताता नहीं है, बस एक लाइन बताता है कि अजमानती का मतलब क्या हुआ अन्य। तो आखिर जमानत के उद्देश्य के लिए सीआरपीसी अपराधों को कितने भागों में बांटती हैं? दो, एक कौन सा अवेलेबल जमानती और दूसरा अजमानती। तो आप बताइए अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी कि जो जमानती न हो उसी को हम क्या कहेंगे? अजमानती। इसका मतलब तो है निकला। तो अजमानती अपराध कौन माने जाएंगे? तो बस एक लाइन में, जो जमानती न हो। और जो जमानती कौन नहीं है, फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी और फिर मैं वही कहानी दोहरा रहा हूँ। देखिए अजमानती अपराध कौन है, अगर हम आईपीसी के लिए देखें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस या गैर जमानती या अजमानती अपराध कौन है, तो इसके लिए फिर तोड़ना पड़ेगा सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड। कौन सा खंड? प्रथम खंड का स्तंभ नंबर कौन देखना पड़ेगा? 5। जिन अपराधों के आगे अजमानतीय शब्द लिखा गया है वे आईपीसी के अपराध क्या होंगे? अजमानती। और फिर आपका अन्य विधियों के लिए, तो अन्य विधियों के लिए सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची का कौन सा क्लाज काम करेगा? 2nd। जैसे SC/ST एक्ट 2nd के लिए क्या नियम है? ऐसे अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष हो या 3 वर्ष से अधिक हो या मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास। इसको सीधा कर देते हैं। अन्य विधियों के लिए अजमानती अपराध कौन होंगे? तो ऐसे अपराध जिसमें दंड या तो मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास या 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक। सतर्क रहिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ कौन कौन। ऐसे अपराध जिसमें सजा कितनी हो, मृत्यु दंड या कितना हो, आजीवन कारावास या कितना, 3 साल या 3 साल से अधिक, चाहे जुर्माना हो या न। ऐसे अपराधों को अन्य विधियों के तहत अजमानती बनाया गया है, लेकिन यह नियम भी उस विशेष विधि में या स्थानीय विधि में दिए गए नियमों के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराध है स्पेशल या लोकल ला, यानी कि अन्य विधि में SC/ST एक्ट आयुक्त जो भी कानून हो, अगर कोई अपराध है और उसमें दंड की मात्रा 3 साल या अधिक है और कहीं कुछ लिखा नहीं गया है कि ये जमानती अपराध होगा कि अजमानती, तो वह कौन सा अपराध होगा इसका निर्धारण सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के किस क्लाज से होगा? 2nd खंड से। और किसे अजमानती माना जाएगा जिसमें दंड 3 साल या क्या हो, ऊपर। और जमानती किसको माना जाएगा जिसमें सजा क्या हो, 3 साल से कम। लेकिन आईपीसी के लिए नहीं, ये किसके लिए हम बता रहे हैं 3 साल का, अदर ला, ये नहीं कि मिक्स ना करिएगा, दोनों अलग अलग चलेगा। लेकिन यह भी विधि का पूर्ण नियम नहीं है। तो विधि का पूर्ण नियम न होने का मतलब क्या हुआ कि इसका अपवाद हो सकता है। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि कोई कानून है आईपीसी के अलावा, उसमें सजा 5 साल है और उसी कानून में ये लिख दिया गया है स्पष्टली कि ये अपराध जमानती होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सीआरपीसी और उस कानून में टकराव हो रहा है, हमारी सीआरपीसी कहती है कि 3 साल या अधिक का दंड तो अजमानती
और वह कानून कहता है कि 5 साल की सजा है, फिर भी वह क्या होगा? जमानती। तो आप लोग बताइए, अब ऐसी दशा में सीआरपीसी का नियम लागू होगा कि उस कानून का यानी कि स्पेशल ला या लोकल ला सीआरपीसी पर प्रिवेल करेगी? ये बिहार आपका जे में इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया और पहला ही टेक्निकल क्वेश्चन आया। इस प्रकार अजमानती अपराध कौन है, अभी भी समझ में नहीं आया तो लास्ट लाइन समझिए। अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जो थोड़ा गंभीर प्रकृति के हैं और जिनमें कह सकते हैं कि जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, अर्थात न्यायालय चाहे तो जमानत दे और चाहे तो जमानत देने से क्या कर दे, इनकार। तो किस अपराध में न्यायालय का विवेकाधिकार है जमानत देना? अजमानती। और अजमानती अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पूर्व भी मांगी जा सकती है, गिरफ्तारी के बाद भी, और तुरंत सेक्शन 2-3 ऐड करना पड़ेगा मेंस में 438 के तहत। जो जमानत मांगी जाएगी आप आवेदन दे सकते हैं सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में, आपका अजमानती अपराध में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत के लिए, और 437 में मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, और 439 में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत दे भी सकता है, रद्द भी कर सकता है। किस अपराध में? अजमानती। तो अजमानती अपराध लिखिएगा तो 3 सेक्शन ऐड करिएगा एक एक लाइन, कौन कौन? 437, 438 और कौन सा? 439। और जमानती में कौन आपको ऐड करना है? 436। इस प्रकार परिभाषा आया, परिभाषा के बाद अंतर पूछा जाता है। चूंकि भाई ज़्यादा समय नहीं रहता मेंस में, तो एकदम सटीक भाषा में इतना ही लिखिए। अब अंतर आइए, अंतर से सतर्क रहिए। 7 अंतर मैं बताऊंगा और वही अंतर दिमाग में बैठाइयो, पोथी पत्र अंत में काम नहीं आता, मैं बता दूं, यहाँ जो बैठा रहता है वही काम आता है। और प्रयास करिए कि अभी शुरुआती दौर है, 2-2 बार बताया जा रहा है, क्योंकि जब मामला आगे बढ़ेगा तो इतना थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपका। फिर मैं बता दूं, ये नहीं कि एकदम गधे की चाल से चला जाएगा, थोड़ा घोड़े की चाल से भी चलना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में अच्छे समझिए ताकि बेस अगर मजबूत रहेगा तो जल्दी जल्दी ईंटा जोड़ कर क्या किया जाएगा, थोड़ा बिल्डिंग बना दी जाएगी, क्योंकि हम पर भी दबाव है भाई। देखिए आपका जमानती और अजमानती में अंतर, या तो अलग से पूछ ले या इसी क्वेश्चन में, चाहे अलग से पूछे या इसी क्वेश्चन में पूछे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मॉडल एक ही चलेगा। आइए एक चार्ट हम बनाते हैं, इधर जमानती अपराध लिखते हैं और इधर कौन? अजमानती, यानी कि एक तरफ बेलेबुल और दूसरी तरफ कौन सा? नॉन बेलेबुल। अब आप लोग इतना मैंने थोड़ा बहुत तो बताया ही गया भाई, भले पूरा अंतर न बताया गया हो। अब देखिए एकाएक अंतर, तो पहला आप ये भी अगर अलग से आए तो ये लिख लीजिएगा भूमिका कि जमानत के लिए अपराधों, जमानत के उद्देश्य के लिए सीआरपीसी अपराधों को 2 वर्गों में बांटती है, एक जमानती और दूसरा अजमानती। जिसमें अंतर महत्वपूर्ण है, पहला अंतर परिभाषा से दिखाया जाता है। आपका परिभाषा आ जाइए तो हम भी परिभाषा से पहला अंतर दिखाते हैं। जमानती की भी परिभाषा क्या है? 2A में, और अजमानती की भी परिभाषा 2A। तो जो बेयर एक्ट की भाषा है उस भाषा से पहले अंतर करिए। तो बताइए जमानती अपराध कौन होगा? तो जिसे प्रथम अनुसूची के तहत जमानती दिखाया गया है या अन्य तत्समय प्रवृत्त विध के तहत जमानती बनाया गया है। और अजमानती जब लिखेंगे तो बस एक लाइन लिखना, अजमानती से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत। बेयर एक्ट की भाषा, ये पहला अंतर निकल गया। दूसरा अंतर आप सटीक में लिखिएगा,
जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का क्या होता है? हाँ, रखते रहिए अंतर भाई, मेंस प्री में भी काम करेगा। और अजमानती अपराध में जमानत देना न्यायालय का क्या होता है? विवेकाधिकार, दे या न दे, ये दूसरा अंतर निकल गया। तीसरा अंतर आपका लिखना पड़ेगा, जमानती अपराध में जमानत सदैव गिरफ्तारी के बाद ही मांगी जा सकती है। यानी कि जमानती अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पूर्व कि केवल गिरफ्तारी के बाद मांगी जा सकती है, गिरफ्तारी के बाद। लेकिन अजमानती में हमने क्या बताया, गिरफ्तारी के पूर्व भी और गिरफ्तारी के बाद भी। ये तीसरा अंतर हुआ। चौथा अंतर आइए, जमानती अगर जमानती अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सीआरपीसी की धारा 50 में, 50 याद रखिए, सीआरपीसी की धारा 50 में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकार की सूचना देगा, यानी कि बताएगा गिरफ्तार के बाद कि तुम जमानती अपराध किए हो और तुम जमानत पाने के हकदार हो, तुम प्रतिभुओं या जमानतदारों के क्या करो व्यवस्था, और तुम्हें थाने से भी जमानत मिल जाएगी, या जैसे ही न्यायालय में जाओगे तो अगर तुम्हारे पास जमानतदार हैं तो न्यायालय रोक नहीं सकता जमानत, तुरंत तुम्हें क्या देगा, जमानत। तो भाई आपका कौन सी धारा ऐड करेंगे सीआरपीसी की चौथे अंतर में? 50। लेकिन अजमानती अपराध में चूंकि जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार है तो गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा कुछ बताया नहीं जाएगा। तो किस में नहीं बताया जाएगा? अजमानती। और किस में अधिकार बताया जाएगा? जमानती। कितना अंतर हुए? 4। पांचवा अंतर देखिए भाई आपका, पांचवा अंतर आप धारा से निकालिएगा और धारा से ये निकालिएगा कि जमानती अपराधों में जमानत का प्रावधान किस सेक्शन में है? 36। और अजमानती लिखिएगा तो 37, 38 और कौन सा? 39, क्योंकि दोनों में मिल सकता है गिरफ्तारी बाद और पूरे हम बता चुके हैं। तो जमानती अपराध में जमानत की धारा में 36, 436 और 436 है भाई, देखिए 436 और अजमानती में किस में ये दिखाना पड़ेगा? 437, 438 और 439। इसके बाद आपका एक नियम दिखाइएगा 7 डेज का, जरूर दिखाइएगा। यानी कि छठवां अंतर करिएगा तो 7 दिन वाला अंतर करिएगा, फिर मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध किया है और 7 दिनों तक वह जमानत लेने में असमर्थ है तो उसे निर्धन मान लिया जाएगा और बिना जमानतदार के उसके स्वयं के बंध पत्र पर उसे छोड़ दिया जाएगा। कितने दिन तक जमानत नहीं, जमानतदार नहीं लाता? 7 दिन। लेकिन अजमानती अपराध में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो जमानती लिखिएगा कितने दिन? 7 दिन तक जमानतदार नहीं लाया, यानी कि प्रतिभु नहीं लाया, तो स्वयं के बांड पर क्या किया जाएगा, उसे बंद पत्र भरवा कर बिना जमानतदार के छोड़ा जाएगा। लेकिन अजमानती में ऐसा कोई नियम नहीं। सातवां अंतर आइए, सातवां अंतर आप साधारण और गंभीर बना सकते हैं कि जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो साधारण प्रकृति के हैं और अजमानती अपराध ऐसे अपराध बनाए गए हैं जो कैसे हों? गंभीर। आप अगला अंतर दंड की मात्रा में भी कर सकते हैं। आईपीसी के लिए तो भाई दंड की मात्रा में अंतर न करिएगा क्योंकि 25-30 धारा अपवाद हैं, और तो दंड की मात्रा आईपीसी के लिए न बनाइएगा। एक आप बना सकते हैं
कि अन्य विधियों के तहत या तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत उन अपराधों को जमानतीय बनाया गया है जिनमें दंड 3 वर्ष से कम या केवल जुर्माना है, जबकि वे अपराध अजमानतीय बनाए गए हैं जिनमें दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का कारावास हो। अगला अंतर ये लिख सकते हैं। अंतर लिखने के बाद आपका केस 1 जरूर डालिएगा। अंतर जब समाप्त हो जाए 8 अंतर माने आपका 6 ही साथ लिखिएगा, बहुत भाई 8 बता लिखवा जाएगा, लेकिन कम से कम 6 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एक केस जरूर लिखिएगा और इस बार 2018 के UPJ में भी ये केस आया था। मोती राम वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, लास्ट में केस डालना पड़ेगा कौन सा, इस बार जे में आया था भाई सतर्क रहिएगा। मोती राम वर्सेज स्टेट ऑफ MP आपका 1978 जस्टिस कृष्णा अय्यर, जरूर लिखिएगा कौन सा जज, कौन से जज थे, कृष्णा अय्यर। देखिए इसमें क्या बताया गया, किसी भी व्यक्ति के मन, देखिए किसी भी व्यक्ति के मन में यह संदेह नहीं रहना चाहिए, वाक्य लिखना पड़ेगा 3-4 लाइन। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी भी व्यक्ति के मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि जमानती अपराध में उसे जमानत मिल जाएगी जबकि अजमानतीय में नहीं मिलेगी, ये संदेह नहीं रहना चाहिए। तो नियम क्या है भाई, संदेह न हो तो नियम क्या है, तो नियम ये है कि जमानतीय अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, जबकि अजमानतीय अपराध में भी जब तक कोई अपवादिक दशा या गंभीर दशा विद्यमान न हो न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जमानत दे देनी चाहिए। यानी कि जो हमने शुरुआती दौर में बताया कि जमानती अपराध में क्या था अधिकार और अजमानती में विवेकाधिकार, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि विवेक का प्रयोग करते हुए ज़्यादातर मामलों में आप क्या दे दीजिए, जमानत। लेकिन वर्तमान समय में अगर जोड़ा जाए, पहले वाक्य पूरा हो जाए तब वर्तमान समय में जोड़ा जाएगा, तथा इन्होंने कहा कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, जमानत एक नियम है जबकि जेल क्या है, अपवाद। ये 3 लाइन जरूर लिखना है, प्री में भी आता है कि किस केस में कहा गया कि जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद, तो मोतीराम का केस किससे संबंधित है, जमानत से, जस्टिस कौन थे, तो आपका जस्टिस कृष्णा अय्यर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, मैंने पहला मॉडल बताया गया। देखिए थोड़ा दिक्कत भी आ रही है भाई बोलने में, कल क्लास चलेगा भाई आपका, मैंने शरीर अभी आपका उतना सही नहीं हुआ बिहार APO के बाद, लगातार वर्क पड़ता रहा, आराम नहीं मिला, तो कल और क्लास चलेगा भाई, प्रयास किया जाएगा बढ़ाने का, थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं ज़बरदस्ती ना चलाया जाए, नहीं तो पता लगा कि हाँ दिक्कत हो जाएगी भाई, आँख बंद हो जा रही है। चलेगा 8-8 चलेगा, हाँ चल नहीं पा रहा था कई दिनों से, 8 शाम को चलेगा, हाँ 8-8 भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट 8 दोनों चलेगा। लेट कर देंगे, मैसेज कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, अभी रुकिए।